मुगले कुजीन खाना तो सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद तो आपको बताना है कि आपको भी हमारे साथ साथ चिकन खाना है। चलो जल्दी से खाते हैं। ओके, तो अभी हम लोग आ चुके हैं करीम और यहाँ पे खाएंगे अपना चिकन। जल्दी चलो, आ जाओ आ जाओ। Hey everyone, it's Bobby and today I'm back with another video. So guys, today I'll be eating Mughlai food at Kareem's. So if you are new to my channel, then please make sure that you subscribe to my channel and press the bell icon for never missing my updates. Okay, so लेकर चलते हैं अभी आपको सीधा तंदूर जहाँ से निकलेगा चिकन का नूर और हम आपको देंगे किचन का टूर। वाह, मैं शायर बन गई। चलो चलते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं किचन में एंड हमारे साथ शेफ है। सर आपका नाम बताइए। दिया खान। तो दिया खान हमको पूरी प्रिपरेशन दिखाएंगे तंदूरी चिकन का। तो सर चलिए चलते हैं और देखते हैं। तो वॉश है हमारा पूरा, फ्रेश है ना शेफ? जी। तो अभी हमने क्या मैरिनेशन के लिए ले रखा है? हाइजीन क्वालिटी 10/10। तो अभी इधर बिल्कुल भी वरी नहीं करने का है कि चिकन खराब है या गंदा है। तो लेट्स बहुत प्यारी खुशबू आ रही है अभी से, इतना लजीज लग रहा है। बस मन कर रहा है कि जल्दी तंदूर से निकल के और खाई हमको खाएंगे भी। आप बताइए। बिल्कुल खाएंगे। हम लोग 3 घंटे बाद अभी देखते हैं ये जाएगा डायरेक्ट तंदूर में। ये जा रहा है डायरेक्ट तंदूर के अंदर। मीडियम लो से 10 मिनट तक इसको पकने देंगे। 10 मिनट्स तक। तंदूर से निकला हुआ चिकन का नूर इज वेरी रेडी, इज रेडी टू ईट। तो अभी हम लोग इसको मारेंगे। क्या मारेंगे सर? और फाइनल लुक देने के लिए। बहुत ही लगाव लग रहा है। उसके बाद मीट डालनी है। फिर से तंदूर में डालेंगे। अच्छा सर, दिस इज द प्रोसेस। सेट करते हैं तो मान के चलिए कि 360 से 400 तक होता है। हमारा मुगलई कुजीन फूड आ चुका है टेबल पर और हमारे पास है यहाँ पे मकराना टंगड़ी एंड दिस वन इज तंदूरी अफगानी चिकन और ये है हमारी चिकन बिरयानी। दिस वन इज एग मसाला सब्जी। वाओ, दिस वन इज रायता चटनी। वैरायटीज ऑफ ब्रेड है गाइस। यू कैन सी दिस खड़े मसाले का चिकन, मुर्ग, खड़े मुर्ग का चिकन। सॉरी, बस अभी मुझे ट्राई करना है। लेट्स डोंट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट आवर मुगलई कुजीन मुकबांग। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। वाह, बस जल्दी से मेरे को ट्राई करना है।
दिस मकराना टंगड़ी, ये रखा हमने मकराना टंगड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग खाना। पहले हम लोग ट्राई करेंगे ये एग मसाला जो कि बहुत ही प्यार से कुक हुआ है। एज यू कैन सी खाते हैं। वाह वाह वाह, क्या जरूरी है। गाइज, आप लोग को थोड़ा सा आइडिया तो हो ही होगा कि मैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपसे बात करने वाली हूँ। अभी तक की वीडियो आपको देखकर समझ में ही आ गया होगा। सो गाइज, टिल नाउ यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ बर्ड फ्लू विच इज़ इन लाइमलाइट नाउ डेज, और जो कि उसे एवियन इन्फ्लुएंजा और H5N1 वायरस के नाम से भी जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू WHO इट डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, पहली बात तो ये है। एंड द वायरस इज वेरी सेंसिटिव टू हीट दैट इट डाइज ऑन कुकिंग टेम्परेचर, तो वो मर जाता है, वो वायरस उधर ही खत्म हो जाता है। तो यू डोंट हैव टू वरी, यू हैव टू टेक सम प्रिकॉशनरी स्टेप्स, लाइक योर चिकन शुड बी वेरी फ्रेश, योर चिकन मस्ट बी प्रॉपरली कुक्ड, और चिकन रॉटन नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, इनर पार्ट ऑफ द एग एंड द आउटर पार्ट ऑफ द एग शुड बी प्रॉपरली कुक्ड। गाइस, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप चिकन नहीं खा सकते हो। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेस आप चिकन खा सकते हो, बिकॉज अभी तक इंडिया में नो केसेस इज बीन डिटेक्टेड रिलेटेड टू बर्ड फ्लू, तो आप खा सकते हो चिकन बिना हिचकिचाहट के, जैसे मैं खा रही हूँ। As one thing you need to understand is कि while you are cooking your chicken, जो आप chicken पका रहे हो उसको आप 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पकाओ, ताकि जो वायरस है वो स्पॉइल हो जाए पूरी तरीके से। इस खाना बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है, स्पेशली द एग मसाला। तो अभी हम खा लेते हैं बिरयानी। यहाँ की बिरयानी भाई साहब बहुत लजीज है, मैं तो खाने वाली हूँ हाथ से, आई विल प्रेफर हाथ। ये लिया हमने एग मसाला। जो पर्सन उधर वर्क कर रहा है पोल्ट्री फार्मिंग में, बस उसको थोड़ा सा केयर कॉशन लेना ज़रूरी है। गाइस, दिस इज सो सुपर, सो जूसी एंड टेंडर। ये तोड़ा हमने चिकन का पीस, ये डाला हमने बिरयानी के राइस में, ये लिया। यहाँ की बिरयानी में तो स्वाद है, वो यहाँ की लखनऊ की किसी बिरयानी में स्वाद नहीं है वैसा।
टेस्ट 10/10 आई विल गिव. एज यू कैन सी मेरा लाइक मैं जैसे रिएक्ट कर रही हूँ. Hygiene is also 10/10. Everything is too good. मेरे को कुक खाने दीजिए और आप लोग भी जाकर ट्राई करिए अपने चिकन जहाँ पे भी आप लोग रहते हो. पूरे आनंद लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना. Hope you all guys enjoy this video. If you guys really enjoy this video, then please make a thumbs up and also subscribe my channel. And if you haven't subscribed my channel yet, then go and check it out. All videos links are given in the description box. Do follow me on Instagram, foodie.bobby. Kurida se appa ko bhi follow karo. And Facebook pe bhi hum log ko follow kar sakte ho. So yeah, till then, bye bye. Milte hain next video mein. अभी तक बेस्ट गया है ये निकाल के हम इसमें करेंगे इसमें रखेंगे यहाँ दिखाएंगे कटलरीज में हम डालेंगे उसको एक पूरी अपने प्लेट पर प्रिपेयर करेंगे. ठीक है ये बॉबी कॉफी पी रही है. चीयर्स 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 करीम्स कॉफी नॉट करंस कॉफी. इट्स यार देख सकते हैं मैं फूड टेस्ट नहीं करती हूँ. देखिए कितने ध्यान से ये लोग खा रहे हैं. बहुत ही सोच विचार के क्योंकि इनसे नान चब नहीं रहा है मटन. दीज गर्ल्स आर डूइंग सच अ गुड वर्क आई मीन हार्ड वर्क दे आर डूइंग ऑन माय प्रोजेक्ट. सी ए डूइंग सच अ गुड वर्क फ्रेंड्स. ये चलो दीज आर माय स्टाफ. ओके गाइस तो अभी हम लोग आ चुके हैं चिकन में. सॉरी किचन है चलेगा किचन की तो शिट. ये हम लोग ओके